हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में टीचिंग फैसिलिटी की कुछ जॉब निकली हैं, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करे हैं और उन्हीं के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ACMS, तो आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो theacms.in करके आएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। टीचिंग फैकल्टी की जो वैकेंसीज निकली हैं उसको देखने के लिए वैकेंसी का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या उसका फ़ी पेमेंट करना चाहते थे तो ये ऑप्शन है। पहले आपको यहाँ से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा और पुराना जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसकी फ़ी पेमेंट होगी, जो कि वो यहाँ से होगी। तो यहाँ वैकेंसी की बात करते थे टीचर फैकल्टी की, तो यहाँ देखिए फैकल्टी जनरल सर्जरी के लिए भी है और यहाँ नॉर्मल फैकल्टी के लिए भी है। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ नॉर्मल फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ये एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। अब इस एडवर्टीजमेंट के बारे में कहाँ पे क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, वो सब मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे सिर्फ ये एक पेज का एडवर्टीजमेंट है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के लिए है, जो कि बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में। एक ईमेल आईडी भी ऊपर दी हुई है, अगर आपको कांटेक्ट करना है, फ़ोन नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। टीचिंग फैकल्टी के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें देख सकते हैं डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, FMT, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ENT एंड ऑप्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे वैकेंसी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, तो अलग अलग डिवाइड है। तो ये डिपार्टमेंट्स की जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर या एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी है वो यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे एनाटॉमी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए MD मांगा गया है, और ट्यूटर अगर है तो वो MBBS या फिर पोस्ट MD की होनी चाहिए, मतलब यहाँ दोनों में से कोई भी चल जाएगा। इसी तरह ज़्यादातर जितनी भी पोस्टें निकली हैं सब में MBBS या MD या फिर MS होना ज़रूरी है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी में देखिए एज़ पर MCI रूल्स के अंडर में होना चाहिए। अप्लीकेशन सबमिशन देखिए यहाँ बताया गया है कि कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए ऑल कैंडिडेट्स टू अपलोड देयर CV अलॉन्ग देयर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टेंडिंग टू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन एज पर द MCI रेगुलेशन ऑन द ईमेल academic.acms@gmail.com बाय 15 मई। तो ये 15 मई 2021 लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, रिसर्च है, पब्लिकेशंस है, ये सब आपको यहाँ academic.acms में मेल करना होगा और इस डेट से पहले करना होगा या इस डेट तक कर देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी बताया है कि मेरिट के बेस पे इंटरव्यू होगा, जो कि ACMS का बोर्ड सेलेक्ट करेगा। उसके बाद इंटरव्यू पे जो भी आपकी डेट होगी कि किस दिन इंटरव्यू होना है वो डेट आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। उसके बाद कंसोलिडेट पेमेंट, मतलब जो पेमेंट होना है, जो फ़ी मिलनी है, उसके बारे में बताया है। एसोसिएट प्रोफेसर को 1,30,000 है, असिस्टेंट को 85,000 है और ट्यूटर के लिए 60,000 रुपये फीस है। अब इसमें HRA DA जो भी मिलना होगा ये तो बाद में आपको जब ज्वाइन हो जाएंगे तभी पता चलेगा। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें क्या है ये मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 0 to 3 years ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे बताया है ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है इस जॉब के लिए, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है जो कि 3 साल के लिए होगी। फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी प्रोबेशन पीरियड, नो फैमिली अकोमोडेशन इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट। इसमें बताया है 3 साल में जो पहला साल होगा वो आपका एक प्रोबेशन पीरियड होगा और आपको कोई अकोमोडेशन के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी। द टाइप एंड द नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव एंड आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट। और ये भी बताया गया है कि ये जो ऊपर पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ट्यूटर हो, एसोसिएट हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, इसमें भी कोई चेंजेस हो सकता है आपके अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट। मतलब ACMS के हिसाब से वो चाहे तो नंबर ऑफ जॉब्स को भी चेंज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं या डिपार्टमेंट बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आपको आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में अप्लाई करना है। लास्ट डेट 15 है, तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर ले।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल जॉब वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट से लेकर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।